हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे क्रीमी चीज़ी बेक्ड ब्रोकली। इसके लिए देखिए, मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है एक बर्तन में। पानी में उबाल आ गया है, हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। जब पानी में अच्छी तरह उबाल आ जाए, ये देखिए 300 ग्राम ब्रोकली को इस तरीके से काट लिया है। अब ये इसमें डाल देंगे। बिल्कुल उबलते हुए पानी में ही डालने से देखिए कलर ब्रोकली का एकदम कितना सुंदर ग्रीन कलर हो गया है। 3 से 4 मिनट इसको गर्म पानी में ही इसी तरह उबलने देंगे। बॉईल होते हुए ब्रोकली को 4 मिनट हो गए हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसको छन्नी में बिल्कुल स्ट्रेन कर देंगे। अब ब्रोकली के लिए व्हाइट सॉस बनाएंगे। 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे, 2 टेबल स्पून बटर डाल देंगे, 2 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक का थोड़ा कलर चेंज होने देंगे। गार्लिक का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 3 टेबल स्पून ओट्स का आटा डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं का आटा या मैदा भी डाल सकते हैं। इंस्टेंट ओट्स को ही मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके आटा बनाया है। आटा का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 1 कप फुल क्रीम दूध डाल देंगे, 1/2 कप फ्रेश क्रीम डाल देंगे, 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्ची डाल देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक हमने ब्रोकली को ब्लांच करने में भी डाला था और हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, उसमें भी नमक होता है, तो नमक ध्यान से डालिएगा। अब इसमें 50 ग्राम शेडर चीज़ डाल देंगे ग्रेट करके। ये देखिए 2-3 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ भी डाल देंगे। ये देखिए क्रीमी चीज़ी सॉस बनके तैयार है। अब इसमें ब्लांच किया हुआ ब्रोकली ऐड कर देंगे। बॉईल आ गया है, अब गैस को बंद कर देंगे और ब्रोकली को बेक करने के लिए रखेंगे। अब एक ओवन प्रूफ बेकिंग ट्रे ले लेंगे, ब्रोकली को इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सब तरफ इवनली फैला देंगे। अब इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितना चीज़ पसंद है उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्ची स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब ब्रोकली को 230 डिग्री के प्री हीटेड ओवन में 8 से 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। सबके ओवन की सेटिंग अलग होती है। चीज़ के ऊपर से हल्के से ब्राउन होने तक इसको बेक करेंगे। ये देखिए ब्रोकली बहुत ही अच्छी बेक हो गई है। मेरे ओवन में मैंने इसको 8 मिनट के लिए बेक किया है। लीजिए, बनके तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी क्रीमी चीज़ी बेक्ड ब्रोकली। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।